आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एमीन बेसिक प्रकृति के, यानी कि क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, तो एमीन कितने टाइप के होते हैं? पहले तो ये तीन टाइप के होते हैं अगर हम ध्यान से देखें, और ये किससे मिलके बने होते हैं? NH3 से। इसमें हम एक एक हाइड्रोजन को एल्किल ग्रुप से रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है, तो RNH2 जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, R, ठीक है, जब दूसरे दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, R3N, जब तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने R से। ठीक है, तो ये है 1° amine, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं, और ये है 2° amine, जिसे हम द्वितीयक एमीन बोलते हैं, और ये है 3° amine, जिसे हम तृतीयक एमीन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन होते हैं एमीन में, ठीक है, इन सभी के पास लोन पेयर होता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे परमाणुओं को दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर, उसकी वजह से ये लुईस क्षारक या नाभिक स्नेह भी हम बोल सकते हैं, उसकी भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका आंसर ये है कि इसकी जो बेसिक प्रकृति होती है उसका रीज़न बताना था, तो वो होती है लोन पेयर की वजह से, ठीक है, जो नाइट्रोजन के पास होते हैं। तो ये है इसका आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।